तो यार आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह से सॉन्ग लिरिक्स बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो इसके लिए यार सॉरी। और इस तरह से वीडियो मैं अब हमेशा बनाता ही रहूँगा कुछ ना कुछ काइन मास्टर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें जो है एक रेशियो सेलेक्ट करना है। सोलर नो का रेशियो हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे जो ब्लैक कलर का इमेज होगा और इसका जो है लेंथ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जहाँ तक कि हमारा वीडियो चाहिए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने ऑडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने ऑडियो को ऐड कर लिया है और यहाँ से आप प्ले करके इसे सुन भी सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, बीट मार्क देना है। तो जहाँ पे लाइन जो है शुरू से ख़त्म होता है वहाँ पे एक बीट मार्क देना है कुछ इस तरह से। तो चलिए सभी में मैं बीट मार्क दे लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने बीट मार्क लगा लिया जैसा कि आप देख सकते हो। अभी लेयर में जाकर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो वो जो पहला लाइन सॉन्ग का लिरिक्स होगा वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी मुझे जो है फॉन्ट को चेंज करना है, तो ए में क्लिक करके यहाँ से जो है कोई अच्छा सा एक फॉन्ट को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं एक अच्छा सा फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों इसे इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और ओवर ले देना है। तो यहाँ पे हम इन एनिमेशन में एक इन एनिमेशन देंगे, एक आउट एनिमेशन देंगे और एक ओवर ले देंगे। तो चलिए हम पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। इन एनिमेशन में मैंने जो है स्केल डाउन दिया है और इसका जो है साइज हम 0.5 कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे जो है हम आउट एनिमेशन देंगे। तो मैंने जो है आउट एनिमेशन दे दिया है, अब हम ओवर ले देंगे। अब हमें इस टेक्स्ट को पूरे लास्ट तक ले जाना है जहाँ तक कि हमारा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ले आया हूँ। अभी हम जहाँ पे बीट मार्क दिए हैं वहाँ पे एक एक कट लगाना है, तो सभी में मैं पहले कट लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सभी लिरिक्स जो है एक हो चुका है, तो अभी हमें यहाँ पर लिरिक्स को चेंज करना है। तो ऐसे क्लिक करके और यहाँ पर फिर से हम सेकेंड लाइन लिख लेंगे। वैसा ही करके सभी में आपको सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो भी होगा उसे लिख लेना है। यहाँ पे हमें एक इफेक्ट को ऐड करना होगा, इसके लिए हम लेयर में जाएंगे और लेयर में जाने के बाद हमें जो है इफेक्ट्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारा इफेक्ट हमें मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। इसे क्लिक करेंगे और इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाके इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने एडजस्ट कर लिया इसकी जो सेटिंग है। अभी इस लाइन को जो है पूरा लास्ट तक ले आएंगे यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना है और थ्री डॉट में क्लिक करके डुप्लीकेट करना है और प्रत्येक लाइन को हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे और इसे भी डुप्लीकेट कर लेंगे। इस तरह से पूरे में कर लेना है। इसमें कलर ऐड करेंगे तो लेयर में जाना है, राइटिंग में जाएंगे और यहाँ से ये वाले पेन को सेलेक्ट कर लेना है। और एक कलर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी कलर चाहें लगा सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है कुछ इस तरह से, ये साइज को ऐड करना है। अभी हमें कलर में जाके और इसमें तीन कलर को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे लाल ले लिया, अभी ब्लू को लेंगे और उसके बाद पीला को, और तीनों को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अभी हमें इससे क्लिक करना है, साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और नीचे ब्लेंडिंग में जाके इसे ओवरले कर देंगे। इसे लास्ट तक ले जाएंगे। अभी जो है हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। अभी यहाँ पे क्लिक करके इसे हम अपने फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे।